विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 8 साल में बर्बाद करने की केस स्टडी बना भारत। राहुल गांधी का तीखा तंज। देश में कोयला संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, ऊर्जा संकट, किसान संकट और महंगाई के देश की सबसे और खतरनाक समस्या बताते हुए देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत मोदी सरकार के तहत पिछले 8 सालों में दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का एक केस स्टडी बन गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट, मुद्रा स्फीति संकट, पीएम मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक केस स्टडी है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को केस बर्बाद कैसे बर्बाद किया जाए। बता दें कि अप्रैल महीने में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर हुई थी 7.63%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर जो मार्च में 7.60% थी बढ़कर अप्रैल महीने में 7.83% हो गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.22% हो गई है जो पिछले महीने 8.28% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29% से घटकर 7.18% हो गई है। देश में ऊर्जा संकट की बरकरार है, कई बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी है, इस वजह से कई राज्यों में बिजली का संकट गहराया हुआ है। देश में महंगाई भी चरम सीमा पर है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2355 पर पहुंच चुकी है, जबकि खाने पीने के सामान बहुत महंगे हो चुके हैं। फल, सब्जी और फलों के भाव भी आसमान छू रहे हैं।